दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को मिली करारी हार, तो दुनिया भर के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम को हार मिली है, जिसके बाद दुनिया भर के तमाम दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच केविन पीटरसन, रिकी पोंटिंग से लेकर शोएब अख्तर, सुनील गावस्कर ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार दुनिया भर के दिग्गजों ने भारतीय टीम की हार के बाद क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम की करारी हार के जिम्मेदार कौन रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले मैच में रिजल्ट टाई होने के बाद दूसरे मैच के लिए दोनों टीम आमने सामने आई। इस बीच भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को 50 ओवर के अंदर 240 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इस लक्ष्य को तेजी से पीछे किया, जहां पर 97 रन पर पहला विकेट गिर गया, लेकिन 146 रन पर 6 विकेट गिरने के साथ भारतीय टीम दबाव में आ गई और इस मैच को हार गई, जिसके बाद अब दुनिया भर के दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बड़ा बयान जारी किया है, जिसमें रिकी पोंटिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को दूसरे मैच में शानदार तरीके से जीत मिल सकती थी, लेकिन इस मैच के अंदर भारतीय टीम को जीत नहीं मिल पाई है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि भारतीय टीम के पास में जीतने से बेहतर स्थिति होने के बाद भी भारतीय टीम को जीत नहीं मिल पाई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम अगर इस मैच को अपने नाम करती तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता था, लेकिन आज के दिन भारतीय टीम को मिली हार को देखकर मैं काफी निराश हूँ। मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम आगे के मैच में बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का अब काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, आज के दिन भारतीय टीम को बेहतर तरीके से जीत भी नहीं मिली है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि भारतीय टीम इस मैच को जीत नहीं पाई है। हालांकि पिछले मैच में भी भारतीय टीम के पास में जीतने की बड़ी उम्मीद थी, परंतु फिर भी भारतीय टीम को पिछले मैच के अंदर जीत नहीं मिली, लेकिन मुझे लग रहा था कि इस मैच में भारतीय टीम अपनी पूरी ताकत लगा देगी और मैच को जरूर जीतेगी, परंतु आज भी भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अब बेहद जरूरत है। तो वहीं सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को दूसरे मैच के अंदर बेहतर तरीके से जीत मिल सकती थी, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को इस मैच के अंदर जीत नहीं मिली है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं। मुझे लगता है कि भारतीय टीम को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि इस मैच में एक बार फिर से भारतीय टीम जीत को ध्यान में रखते हुए बेहतर स्थिति में थी, लेकिन फिर भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला और भारतीय टीम इस मैच को हार गई। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में भी गेंदबाजों ने अपना बेहतर कार्य कर दिया, लेकिन बल्लेबाजों ने कुछ खास कमाल नहीं किया, जिसके चलते आज भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ गया। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को दूसरे मैच में जीत मिल सकती थी, परंतु दूसरे मैच के अंदर भारतीय टीम को जीत नहीं मिली है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा निराश हूं। हालांकि भारतीय टीम की इस मैच में हार के बाद एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय टीम को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के सामने हम श्रीलंका को काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भारतीय टीम अपने आप में काफी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतर रही है और उसको वर्ल्ड कप जीतने का घमंड हो गया है। ऐसे में यहां पर उन्हें मिली हार के बाद एक बात टीम में ध्यान रखने में रहेगी कि उन्हें अब काफी बेहतर प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? दोस्तों भारत और श्रीलंका एक बार फिर दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्हें क्या पता था इस मुकाबले में भारतीय टीम किस इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरते ही तहलका मचाना शुरू कर दिए। टीम के लिए पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की आग उगलती हुई पहली ही गेंद पर पथुमा निशंका को केएल राहुल के हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दे दिया और भारतीय टीम पकड़ मजबूत कर चुकी थी। अब मैदान पर कुशल मेंडेस का साथ देने नए बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो, इन दोनों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और चार ओवर में टीम के स्कोर को बड़ी ही मुश्किल से 15 रनों तक पहुंचाया। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। आठवां ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल को बुलाया गया। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया दिया
अपने जाल में लंका के बल्लेबाजों को फंसा रखा। लेकिन धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में एक विकेट पर 42 रनों तक पहुंचा दिया गया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर गेंदबाजी में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। 11वां ओवर फेंकने के लिए शिवम दुबे को बुलाया और खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। लेकिन श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में 15वां ओवर फेंकने के लिए वॉशिंगटन सुंदर को बुलाया। सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 58 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। श्रीलंका का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। वहीं फर्नांडो भारत के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी भारत की तरफ से 17वां ओवर गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर फर्नांडो को अपने जाल में फंसा लिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता 74 रनों के स्कोर पर दिला दी। फर्नांडो अपनी टीम के लिए 62 गेंद पर 40 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने के लिए शतीरा समर विक्रमा आ चुके थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की फिरकी के आगे कुशल मेंडिस का भी बल्ला नहीं चल पाया। 19वां ओवर लेकर आए सुंदर ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता केवल 70 रनों पर दिला दी और मैच में टीम को वापसी करा दी। कुशल मेंडिस टीम के लिए 30 रनों का योगदान देकर चलते बने। अब मैदान पर नए बल्लेबाज खुद कप्तान चरित असलंका आ चुके थे। वहीं रोहित शर्मा ने 20वां ओवर फेंकने के लिए गेंद कुलदीप यादव को थमा दी। श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी 20वें ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 81 रनों तक 3 विकेट के पार पहुंच पाया। भारतीय गेंदबाज भी पूरी तरह से शिकंजे में कसकर इन दोनों बल्लेबाजों को रखे हुए थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 25 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई रही थी, जो श्रीलंका टीम के लिए महत्वपूर्ण थी। लेकिन 27वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने ओवर की चौथी गेंद पर सदीरा समर विक्रमा को विराट कोहली के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथी सफलता केवल 111 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब कप्तान असलंका का साथ देने जनित लियांगे आ चुके थे। संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 30 ओवर में 129 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सटे नजर आ रहे थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 34वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने जनित लियांगे को का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिला दी। इनका विकेट गिरने के बाद कप्तान असलम का भी पवेलियन लौट गए, टीम को केवल 25 रनों का योगदान दे सके और वॉशिंगटन सुंदर के शिकार हो गए। 136 रनों के स्कोर पर श्रीलंका के 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। पूरी जिम्मेदारी दुनित बैलालागे और कामिंदु मेंडिस पर आ चुकी थी। इन दोनों ने मिलकर टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। 42 ओवर में लंका का स्कोर 169 रनों तक पहुंच गया था। दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी हो चुकी थी। बैलालागे का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, चौके छक्के लगाना शुरू कर चुके थे। 50 रनों से अधिक की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी थी। श्रीलंका के स्कोर को 200 रनों के पास पहुंचा दिया था, लेकिन 47वें ओवर में वेलालागे कुलदीप यादव के शिकार हो गए। भारतीय टीम को 7वीं सफलता मिल गई, लेकिन मेंडिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। अकेला धनंजय के साथ मिलकर श्रीलंका के स्कोर को 50 ओवर में 240 रनों तक 9 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और भारत के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ओपनिंग करने मैदान पर आई। कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। वेलालागे के दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर गिल ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं श्रीलंकाई गेंदबाज भी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। लंका की तरफ से 4था ओवर लेकर आए एक बार फिर वेलालागे, इनका स्वागत इस बार कप्तान रोहित शर्मा ने अपना प्रचंड रूप दिखाकर शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद भी रोहित रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। 5वीं गेंद पर एक और चौका जड़ दिया और इस ओवर से 13 रन बटोरने का काम टीम के लिए किया और टीम के स्कोर को 4 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित की बल्लेबाजी देखकर गिल ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला। फर्नांडो की गेंद पर शानदार चौका जड़ा। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। लंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रॉकेट की रफ्तार की तरह वो टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। श्रीलंका की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर फर्नांडो, इनका स्वागत रोहित ने दूसरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर किया। इसके बाद 4थी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी बना ली। भारत का स्कोर 7 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित का बल्ला बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धनंजय के ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित ने गगनचुंबी छक्का जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया। भारत का स्कोर 8 ओवर में ही 60 रनों के पार पहुंच गया। वहीं रोहित धीरे धीरे अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाज श्रीलंका के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। कामिंदु मेंडिस की 4थी गेंद पर रोहित ने शानदार छक्का जड़कर अपना अर्धशतक केवल 29 गेंदों में ठोक दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर में 76 रनों के पार पहुंचा दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी कुटाई की जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया और टीम इंडिया बड़े ही आसानी के साथ दूसरे वनडे को अपने नाम कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम
सीरीज जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अब तो जब भी मैदान पर उतरते हैं एक नया कीर्तिमान अपने बल्ले से तोड़ कर रख देते हैं। ऐसा ही कुछ करिश्मा उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में भी कर दिखाया। जो करना बड़े बड़े खिलाड़ियों का सपना होता है वो अब रोहित शर्मा के लिए हकीकत हो चुका है। जी हां, अब रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में रनों की ऐसी आंधी लाई है कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और किंग विराट कोहली को चुनौती देते हुए उन्होंने अब टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच और महान दिग्गज राहुल द्रविड़ को भी कोसों पीछे छोड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया है।